किसान नेताओं पर हरियाणा में जो मामले दर्ज, आप जानते हैं कि काफी मामले दर्ज है हजारों की संख्या में, उन किसानों पर जो लोग लगातार बैरिकेडिंग को पार कर रहे थे, आमना सामना जवानों का किसानों का हुआ था, और उसके बाद आपको याद है कि कहीं पर तो लाठीचार्ज के आरोप तक लगे थे। करनाल का भी एक आपको इंसिडेंट घटनाक्रम याद होगा, उसी को लेकर आज एक मीटिंग हो रही है कि क्या किसानों के जो मुकदमे उन पर दर्ज हैं वो वापस होंगे। हरियाणा सरकार को निर्णय लेना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय भी एक बहुत अहम बैठक चल रही है चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के जो किसान नेता है वो इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक है, लगभग दो घंटे से किसान नेताओं की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात लगातार चल रही है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है और हमारे संवाददाता अनिल मोर कुछ ही पलों बाद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा कर रहे हैं। जो हरियाणा सरकार के अधीन होता है, जो हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कर सकती है, वो कोशिश हरियाणा सरकार आज करेगी। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोई बड़ा आश्वासन जरूर दे सकते हैं। जो मुकदमे दर्ज हुए थे प्रदर्शनकारी किसानों पर, किसान नेताओं पर, अभी इस मीटिंग को लेकर क्या चल रहा है, अंदर से क्या खबर सामने आ रही है, अंदर की बात ही बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर सीएम आवास के बाहर से इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिलहाल अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही इस मीटिंग को लेकर? काफी वक्त बीत चुका है, यानी कि चर्चा बहुत लंबी हो रही है, किसी ना किसी नतीजे पर आज पहुंचा जाएगा क्या? क्या संकेत मिल पा रहे? देखिए कमल, दो घंटे पहले आप भी सीएम आवास के बाहर खड़े थे और दो घंटे से लगातार बैठक चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मैराथन बैठक है, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो किसानों की मांग है, क्योंकि एक बिल्कुल टेक्निकल सा विषय है, इतना आसान सरकार के लिए भी नहीं है, क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री आश्वासन दे चुके हो, डिप्टी सीएम ने भी कहा है, गृह मंत्री की तरफ से भी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से भी, किसान भूतपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक विचार करना इतना आसान नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि मामले कई तरह के किसानों के ऊपर दर्ज हुए। और अगर बात की जाए कि जितने भी किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं की तरफ कूच किया, चाहे पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, राजस्थान के किसान थे, वो पूरे के पूरे हरियाणा से होकर गुजरे और ज्यादातर जो मामले बने हैं हरियाणा की सीमाओं में बने। तो ऐसे में कई मामले ऐसे थे जो गंभीर कैटेगरी के मामले कह सकते हैं, कई मामलों में तो किसान नेताओं के खिलाफ धारा 307 तक के लग चुके। तो ऐसे में जितनी गंभीर धारा लगे तो प्रदेश सरकार की तरफ से इतना आसान नहीं है, कई मामले अदालतों तक भी जा पहुंचे। तो ऐसे में प्रदेश सरकार किन किन मामलों को वापिस लेती है, वो यहाँ पर फैसला हो रहा है, बातचीत यहाँ पे हो रही है। दो घंटे हो चुके हैं, बैठक चल रही है, जो किसान नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। पूरी की पूरी डिटेल मुख्यमंत्री की तरफ से मंगवा ली गई थी कि किसान नेताओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कितने मामले दर्ज है। ज्यादातर मामले हरियाणा में ही दर्ज हुए, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी कह चुके थे कि मामले वापस लेना अधिकार, राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से कौन से मामले वापस लिए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से सारी बातें रखी जाएगी। किसान नेताओं को तो साफ तौर पर यह कहना कि सारे के सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। तो ऐसे में हरियाणा सरकार किस स्थिति में है कि कितने मामले वापस लिए जा सकते हैं, कौन सी धाराओं के तहत जो गंभीर मामले उनका क्या होगा, वो बातचीत यहां पे की जा रही है। इसके अलावा किसान संगठनों का यह भी कहना है कि जिन जिन किसानों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से जिन किसानों की मौत हुई है, जो पंजाब से संबंधित है, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया हुआ है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से क्या ऐसा संभव है, वो बातचीत यहाँ पे की जा रही है। लगातार बैठक चल रही है, दो घंटे हो चुके हैं बैठक को चलते हुए, क्योंकि जो एक कल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक किसान नेताओं की होनी है, सिंधु कुंडली बॉर्डर पर यह बैठक होनी है किसान नेताओं की, संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में कहना है कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तीनों किसान कानूनों को वापस लिया जा चुका है, तीनों किसान कानून रद्द किए जा चुके हैं। अब जो किसानों की महत्वपूर्ण मांगे, एक तो एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, एक कमेटी बना दी जाएगी उसके लिए। इसके अलावा जो किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। जितने भी बड़े किसान नेता, चाहे जत्थेबंदियों के नेता है, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, तकरीबन सभी के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए। तो ऐसे में अब किसान नेता चाहते हैं कि सारे के सारे मुकदमे वापस लिए जाए, किसानों की याद में एक स्मारक दिल्ली की सीमा पर बनाया जाए, इसके अलावा जो जिन किसानों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अब देखना ही होगा कि बैठक कितनी और देर चलती है, उसके बाद किसान नेता कितने संतुष्ट नजर आते हैं। अनिल मोर, आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, क्या ये तकनीकी परेशानियां हैं हरियाणा सरकार के सामने, और क्या क्या हरियाणा सरकार के दायरे में आता है जो किसान नेताओं को राहत दे सकता है या इनकी मांगों के रूप में एक सॉल्यूशन, एक समाधान मिल सकता है?
देखिए, जो किसानों के खिलाफ ज्यादातर मामले दर्ज हुए, क्योंकि जो पिछले साल नवंबर के महीने में किसानों की तरफ से दिल्ली कूच किया गया था, उस दौरान जगह जगह पर किसानों को पुलिस प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, उस दौरान किसानों की तरफ से बैरिकेड तोड़े गए, एक हंगामा उस दौरान देखने को मिल रहा, उस दौरान भी काफी मामले किसानों के खिलाफ, किसान संगठनों के खिलाफ दर्ज हुए थे। काफी मामले ऐसे हैं जो फिलहाल अदालतों तक जा पहुंचे, क्योंकि एक लंबा पीरियड हो चुका है। नवंबर के महीने में उस वक्त आंदोलन अपने चरम पर था, दिल्ली कूच किया गया था, उस दौरान के जो मामले हैं, क्योंकि एक तय समय सीमा होती है, 3 महीने का समय होता है पुलिस के पास की जो चार्जशीट होती है वो अदालत तक पहुंचाया जाए, तो ऐसे में काफी मामले ऐसे हैं जो अदालतों तक जा पहुंचे, तो ऐसे में जो मामले अदालतों तक जा पहुंचे उसके हरियाणा सरकार के कितना अधिकार क्षेत्र में वो आ सकता है। लीगल एडवाइज भी ली गई है, लीगल ओपिनियन भी हरियाणा सरकार की तरफ से ली गई है कि इन मामलों में क्या हो सकता है, और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो डिटेल थी मामलों की वो मुख्यमंत्री पहले ही मंगवा चुके हैं कि कहां कितने मामले दर्ज हुए, कहां कहां पर सड़क जाम के मामले दर्ज हुए, कहां पर गंभीर मामले दर्ज हुए, तो उन पूरे के पूरे मामलों की डिटेल यहां पर मंगवाई गई। और किसान नेता को कहना है कि चाहे कोई भी घटना किसानों से संबंधित रही हो पिछले एक साल के दौरान, जो चाहे किसानों ने हिसार में जाम किया, चाहे फतेहाबाद में, चाहे सिरसा में, कहीं का भी कोई मामला हो, वो सारे के सारे मामले वापस होना चाहिए, क्योंकि किसान संगठनों का कहना है कि पिछले एक साल के दौरान किसानों की तरफ से कोई भी प्रदर्शन किया गया हो, चाहे किसी बीजेपी जेजेपी नेता का विरोध प्रदर्शन का भी मामला हो, वो सारे के सारे मामले वापस होने चाहिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की तरफ से कैटेगरी बनाई गई है, जो हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर किसान नेताओं से बात की जा रही है कि कौन कौन से मामले वापिस होने की कैटेगरी में है, कौन से मामले अति गंभीर मामले हैं जो अदालतों तक जा चुके हैं, इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, तो इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि मामले एक दो नहीं है, बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए हैं, बड़ी संख्या में किसानों के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतना आसान सा भी नहीं था, और इसलिए एक लंबी मैराथन बैठक यहां पर चल रही है। मुआवजों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो भी देखने वाली। अनिल मौर्य, इस बैठक में कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली संयुक्त किसान जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए कल एक बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की होनी है, आगे क्या करना है, सरकार पर दबाव एमएसपी कानून को लेकर कैसे बनाना है, और आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रहेगी, यह एक बड़ा सवाल का जवाब कल मिल सकता है। ऐसे में क्या कल की बैठक में आज की बैठक का जिक्र हो सकता है कि हरियाणा सरकार से क्या आश्वासन मिला है या हरियाणा सरकार ने क्या निर्णय लिया है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर उसको लेकर क्या आपको लगता है? गुरनाम सिंह रडोनी जाकर इसका जिक्र करेंगे। देखिए, जो कल बैठक होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, उस बैठक में भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे रहने वाले हैं, एमएसपी का मुद्दा रहने वाला है, मुकदमों का मुद्दा रहने वाला, और जैसे मैंने आपको कमल बताया कि ज्यादातर मामले हरियाणा में ही दर्ज हुए, क्योंकि जो पूरे के पूरे जो आंदोलन हुआ ज्यादातर हरियाणा की सीमाओं में ही हुआ, तो ऐसे में ज्यादातर मामले हरियाणा की सीमाओं में दर्ज हुए। और जो आज की बैठक है, कल की बैठक की कामयाबी आज की बैठक की कामयाबी पर निर्भर करती है। अगर आज बैठक कामयाब रहती है, कहीं ना कहीं सरकार किसान संगठनों की मांग मान लेती है, तो कहीं ना कहीं कल की बैठक कामयाब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आज बैठक कामयाब नहीं रहती, किसान नेता सरकार से, मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं होते, तो जो कल की बैठक है उसकी बैठक की भी कामयाब होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है एमएसपी को लेकर, एमएसपी को लेकर जो समाधान निकालना है वो केंद्र ने निकालना है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा पेच है वो दर्ज मामलों को लेकर है, मुकदमों का क्या होगा, क्योंकि किसान नेता भी नहीं चाहते कि मुकदमे भी अधर में लटके रहे, किसान नेता तारीख पे तारीख भुगतते रहे, तो किसान नेता चाहते हैं कि साथ के साथ इसका भी सोल्यूशन कर लिया। आज मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है, बैठक कितनी कामयाब रहती है, जो कल की बैठक इस बैठक पर काफी हद तक निर्भर करती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस बैठक में मौजूद है, अभिमन्यु कुहाड़ इस बैठक में मौजूद है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों में शामिल होते रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा, जो भी इस बैठक का निकलेगा, हालांकि जो संभावना यही है कि किसान नेता इस बैठक के बाद फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेंगे इतना आसानी से, वो इस बैठक के बाद जो भी राय, जो भी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाएगी, जो भी बात प्रदेश सरकार की तरफ से कही जाएगी। यहाँ पर अनिल, एक बात हो रही है कि केंद्र ने मुकदमे वापस लेने वाली बात तो राज्य सरकार के पाले में डाल दी है गेंद, अब ऐसे में हरियाणा सरकार की सिचुएशन, जो स्थिति है वो आपको क्या लगती है, क्यों इतना समय इस बैठक में लग रहा है? टेक्निकल ग्राउंड्स आपने बताया कि ये तकनीकी दिक्कतें हरियाणा सरकार के सामने आ सकती है, वो आपने समझाया दर्शकों को, लेकिन इस समय हरियाणा सरकार की, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो मनोस्थिति है, वो इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए, मुकदमों को वापस लेने के लिए, वो किस तरह की होगी, कुछ आप एक्सप्लेन करें इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं कि हरियाणा सरकार किस बात को लेकर मंथन करेगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या किसान नेताओं को कह सकते हैं इस दौरान, देखिए रास्ता क्या। Yeah.
देखिए मुख्यमंत्री खुद बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि हम इन मांगों पर, मुकदमों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि तीन किसान कानूनों को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री की पहल पर तीनों किसान कानूनों को वापस ले लिया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों किसान कानूनों को वापस ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से जो किसान संगठनों के साथ कहीं ना कहीं जो समझौता है वो कर लिया जाए। अब आंदोलन लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी वो मान ली गई है। अब जो पेच फंसा हुआ है, दूसरी मांगों के ऊपर फंसा हुआ है, एमएसपी की मांग केंद्र सरकार से संबंधित है। केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुके हैं कि मुकदमों से जुड़ा हुआ विषय राज्य सरकारों का है। जहां जहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो राज्यों का अधिकार क्षेत्र, इस पर फैसला राज्य सरकार कर सकती है। और राज्य सरकारों की अगर बात करें, क्योंकि ज्यादातर मामले हरियाणा में दर्ज हुए, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान कानूनों को वापस ले चुके, बड़ा फैसला कर चुके, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी उसी नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री भी कह चुके कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्निकल विषय कई आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए, बड़ी संख्या में किसानों के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए, तो उनमें जो अति गंभीर कैटेगरी के जो मामले, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बातचीत हो रही है यहाँ पर कैटेगरी वाइज मुद्दे सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं कि ये गंभीर मामले हैं, ये जो सामान्य मामले हैं। कहीं ना कहीं सामान्य मामले सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि सामान्य मामले वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन जो गंभीर कैटेगरी के मामले हैं, जहाँ पर तोड़फोड़ के मामले दर्ज हुए, 307 की धारा किसानों के ऊपर लगी है, लूट खसोट की धारा किसानों के ऊपर लगी है, तो वहाँ पर सरकार के लिए कितना आसान रह सकता है। लीगल राय भी यहाँ पर ली गई है, जो हरियाणा सरकार की तरफ से लीगल ओपिनियन भी लिया गया है, और कुछ मामलों में जो जानकारी मिल रही है, कुछ मामले अदालत तक जा पहुंचे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है, एक साल किसान आंदोलन को हो चुके हैं। 26 नवंबर पिछले साल जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था, ज्यादातर मामले उस दौरान भी दर्ज हुए थे जब दिल्ली कूच किया गया था। तो ऐसे में जो मामले अदालत के दरवाजे तक जहाँ पहुंचे, वहां पर हरियाणा सरकार किस तरीके से रिलीफ यहाँ पर दे सकती है, तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है, इसलिए क्योंकि मामले बड़ी संख्या में दर्ज हुए हैं, बड़े मामले हैं, तो ऐसे में मैराथन बैठक चलना स्वाभाविक सी बात थी। ये बैठक जो है वो काफी समय से चल रही है, और कोई अंदर से जानकारी मिली हो आपके सूत्रों के हवाले से कि क्या बात बन रही है, बात कैसे बन पाएगी, कितनी और देर ये बैठक चल सकती है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है ये बैठक, और आपने खुद बताया 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मैं भी वहां मौजूद था और तमाम जो किसान नेता है अंदर गए थे, उम्मीद उनको भी काफी थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कहा कि हम मुकदमे वापस करवाने के लिए आए हैं, तो ऐसे में कोई अंदर की जानकारी आपके पास हो? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा पेच था वो मुकदमों को लेकर ही है। प्रदेश सरकार की तरफ से जो बात किसान संगठनों से की जा रही है, इन किसान नेताओं से की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से कैटेगरी किसान नेताओं सामने रखी जा रही है कि किस किस कैटेगरी के मामले यहाँ पर दर्ज हुए, जो अति गंभीर मामले हैं। प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि जो अति गंभीर मामले हैं उनको किस तरीके से वापस लिया जा सकता है। जहाँ पर धारा 307 लगी हो, लूट खसोट की धारा लगी हो, तोड़फोड़ की धारा लगी हो, जो मामले अदालत के दरवाजे तक जा पहुँचे, उन मामलों को किस तरीके से वापस लिया जा सकता है, तो इनको लेकर थोड़ा सा पेज फंसा हुआ है। मैराथन बैठक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कोशिश है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके कि हम किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन हो जाए, जो किसान संगठनों के साथ समझौता सरकार का हो जाए, और जल्दी से जल्दी जो किसान आंदोलन है वो खत्म हो जाए। और जो कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, उस बैठक में कहीं ना कहीं जो किसान नेता है भविष्य की रणनीति का ऐलान करेंगे, ये ऐलान करेंगे कि आंदोलन जारी रखा जाना है, ये ऐलान कर सकते हैं कि आंदोलन खत्म किया जाना है, और वो जो कल की बैठक है उस बैठक की कामयाबी आज की बैठक पर निर्भर करती है। कमल, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि आप लगातार बने भी रहेंगे हमारे साथ, अपडेट भी देंगे। सबसे पहले आपने ही इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया था कि एक मीटिंग यहां से हमारे में होने वाली है, तो आप बेहतर तरीके से दर्शकों को बहुत सटीक जानकारी दे रहे हैं। और तो ऐसे में हम क्या माने कि हरियाणा सरकार भी कुछ ना कुछ उम्मीद तो इन किसान नेताओं से रखती होगी ना, क्योंकि हरियाणा के किसान नेता ज्यादातर इस बैठक में मौजूद है, कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, इनको भी अपनी ओर से फीडबैक देना है। अगर यहां से कोई भी अगर बातचीत बनती है, नतीजा अच्छा आता है दोनों तरफ से, यहां से मांग मानी जाती है, हरियाणा सरकार मांग मान लेती है, तो हरियाणा सरकार को भी कोई ना कोई आस तो होगी ना इन किसान नेताओं से, वो उम्मीद क्या हो सकती है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले कोई संकेत दिए हो कि हम भी तो उम्मीद रखते हैं ना, कि हम आपकी बात मान रहे हैं, मांगे मान रहे हैं, आप भी तो कुछ माने।
देखिए बिल्कुल, अगर आज के दिन की बात करें, आज के दिन पिछले साल की अगर बात करें, उस दौरान हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद थे, हमने वो पूरी की पूरी तस्वीरें दिखाई, लगातार किसान आंदोलन की हर तस्वीर हमने हमारे दर्शकों को दिखाई, और आज एक साल बाद भी किस तरीके से बातचीत हो रही है हम वो भी दिखा रहे हैं। और जैसा आपने बात की मुख्यमंत्री का जिक्र किया, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम सहानुभूतिपूर्वक किसानों की मांगों पर विचार कर रहे हैं, किस तरीके से इन मांगों को माना जा सकता है। सबसे जो बड़ी मांग थी वो मानी जा चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से, MSP को लेकर केंद्र सरकार कमेटी बनाने का आश्वासन दे चुकी है, कहा कि किसान नेता भी उसमें शामिल होंगे। वो जो मांग है वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा पेच है मामलों को लेकर है, मुकदमों को लेकर है, क्योंकि जितने भी किसान नेता हैं, चाहे किसान मोर्चा के नेता है, जत्थेबंदियों के नेता है, तकरीबन सभी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए। इसके दौरान भी हरियाणा में जब बार बार किसान संगठनों की तरफ से बीजेपी JJP नेताओं का विरोध किया गया, उस दौरान भी रास्ते जाम किए गए, उस दौरान भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए। तो ऐसे में किसान संगठन चाहते हैं कि मुकदमे सारे के सारे वापस लिए जाए, लेकिन प्रदेश सरकार किन किन मुकदमों को वापस लेने की स्थिति में है, किस तरीके से है, वो इस बैठक के बाद पता लगेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो कल बैठक होने जा रही है, कल होने वाली बैठक की कामयाबी आज इस बैठक पर काफी हद तक निर्भर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मौर्य, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। सीएम आवास के बाहर आप मौजूद हैं, और सबसे पहले उम्मीद करेंगे आप ही हमें अपडेट देंगे और क्या कुछ होता है इस बैठक के बाद। सीधे अनिल मौर्य से ही हम पल पर की खबर लेते रहेंगे, समय समय पर उनसे जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मौर्य, एक बार फिर से आपका।